आज इस वीडियो में बनाएंगे बाजरे की खीर। तो सबसे पहले बाजरे को हम पूरी रात भर पानी के अंदर भिगो के रखेंगे, उसके बाद उसका सारा पानी निकाल देंगे और बाजरे को इमामदस्ते के अंदर कूट लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इसी तरीके से जो है हम बाजरे को अच्छे से कूटेंगे ताकि इसके जो अनवांटेड पार्ट है वो निकल जाए, जिसकी हमें नीड नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी देर तक ये जो बाजरा है इसके अंदर कूट लिया। इसके बाद जो है मैं बाजरे को स्प्रेड कर दूंगी किसी कपड़े के ऊपर ताकि ये जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाए, सूख जाए। इसके बाद जो है हम दोबारा से इमामदस्ते के अंदर ये जो बाजरा है वो डाल लेंगे और अगेन इसे हमें कूटेंगे अच्छे से ताकि इसमें से जो हमारा अनवांटेड है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। थोड़ी ज़्यादा देर तक जो है हम इमामदस्ते के अंदर इसे कूटेंगे। इसके बाद थोड़ी देर के लिए हम बाजरे को सूखने के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरीके से सूख जाए, ताकि इससे जो भी अनवांटेड पार्ट है वो निकल जाए। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरीके से आप करेंगे प्लेट में रखकर, तो ये सारे के सारा जो अनवांटेड होगा वो निकल जाएगा। जो आप ये कपड़े पर देख रहे हैं ये अनवांटेड पार्ट है बाजरे का। जैसे कि मैंने आपको इस पहले भी एक वीडियो में जो जिसने मैंने बाजरे की खिचड़ी बनाई थी उसमें आपको दिखाया था। तो इस तरीके से जो हमारा अनवांटेड पार्ट होगा वो सारा का सारा बाजरे से निकल जाएगा। अब जो है हम बाजरे को क्लीन करेंगे, तो क्लीन करने के लिए जो है हम पानी से इसे अच्छे से जो है वो धो लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बाजरे को जो है दो बार धो लेंगे। ये जो हमारा बाजरा है वो अच्छे से जो है वो धुल चुका है, दो बार हमने धो लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा ये बाजरा जो होता है वो थोड़ा हार्ड होगा, तो इसको जो है हम कुकर के अंदर डाल देंगे, साथ में थोड़ा ज़्यादा सा पानी लगाकर इसे जो है 4 विसल्स या 5 विसल्स के अंदर जो है ये थोड़ा सा बॉइल्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सिर्फ पानी डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे बाजरे में। तो 4-5 सीटी के बाद जो है हमारा जो बाजरा है वो आपको इस तरीके का दिखाई देगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा बॉइल्ड दूध था उसको जो है हमने थोड़ी देर तक और गर्म किया, उसके अंदर जो है हमने बाजरा डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर तक जो है हम होने देंगे, आधे घंटे के लिए, जितना आपको मतलब गाढ़ा दूध में चाहिए या फिर आपको कैसे दूध में चाहिए जैसे में आप खीर बनाते हैं, तो इसको हम जो है वो थोड़ी देर तक पकने देंगे। यहाँ पे जो है हम आधे घंटे के लिए इसको बाजरे को इस दूध के अंदर जो है वो बॉइल्ड होने देंगे। विद टाइम जो है वो दूध जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और जो ये बाजरा है आपको इसमें फूला हुआ नजर आएगा। अब जो है हम एक एक करके जो है इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ग्रेटेड कोकोनट डाला है, साथ में हम डालेंगे मखाने, बादाम और कुछ इलायची दाने, इलायची के दाने। आप चाहें तो चिरौंजी डाल दें, जो भी आपका मन करे, मतलब आप वो ड्राई फ्रूट्स जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, चाहे आप काजू ऐड करें। इसके बाद जो है हम इसे जो है थोड़ी देर तक और कुक होने देंगे, जब तक कि हमारा जो दूध है वो थोड़ा गाढ़ा ना नज़र आए। हाफ एन आवर के लिए जो है ये इस बाजरा इसी दूध के अंदर जो है वो कुक होता रहेगा, इसकी क्वांटिटी जो है वो दूध की वो रिड्यूस हो जाएगी। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे जो है मैं गुड़ शक्कर जो कि जैगरी पाउडर है वो लास्ट में बिल्कुल ऐड करूंगी, बिल्कुल लास्ट में, ताकि ये जो है दूध में मिलके फटना जाए इसीलिए। आप देख सकते हैं ये जो हमारी खीर है वो रेडी हो चुकी है।
तो आप कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी खीर। सब्सक्राइब करें सोनाल गुप्ता चैनल को, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।